फिल्म है, इसमें मैंने अमीना और मीना का रोल किया है। तो इसमें दो स्टोरी चल रही हैं, एक अमीना की कहानी जो थिएटर के ज़रिए है और मीना की कहानी जो रियल लाइफ में चल रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, शायद ऑडियंस ने पहली बार देखेंगे। तो इट्स अ मास्टर पीस मेड बाय कुमाराज प्रोडक्शंस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो आप जैसे कह रहे हैं आपकी मीना और अपने दो किरदार, तो रोल है फिल्म में या किस तरह का? तो दो रोल नहीं है इसमें, जो मैं रियल लाइफ में जो कैरेक्टर कर रही हूँ मैं मीना हूँ मूवी में, और मीना एक थिएटर एक्ट्रेस है, और उसमें जो मैं प्ले कर रही हूँ थिएटर में उसका नाम है यहाँ अमीना बिकती है। तो उसमें मैं अमीना का रोल कर रही हूँ थिएटर में। जैसे कि आपने कहा यहाँ अमीना बिकती है, ये बहुत बड़ा प्ले था, एक पुस्तक भी आई है उसके। यस, तो ये मैं प्ले करने वाली थी, पहले करती थी। जो लिखा है आफताब हसनैन जी ने, जो उर्दू के बहुत फेमस राइटर हैं, तो उन्होंने ये प्ले लिखा है यहाँ अमीना बिकती है, जिसमें मैं अमीना का रोल कर रही थी। तो वहाँ से कुमारराज प्रोडक्शन ने, कुमारराज जी ने ये प्ले सुना, देखा, तो वहाँ से उनको ये आइडिया आया कि उस पर ये मूवी बनाएंगे। तो फिर जब अमीना के रोल की कास्टिंग आई तो उन्होंने फिर मुझे ही चुना, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी इतनी मेहनत की हुई थी टू प्ले अमीना, तो मैंने ही अमीना का फिर रोल किया। क्या कि कुमार राज जी के बारे में कुछ कहिए, डायरेक्टर भी प्रोड्यूसर? कुमार राज जी ने बहुत बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है, बहुत पैशन से फिल्म बनाई है। फिल्म मेकिंग उनका एक जुनून है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे शॉट्स और स्टोरी को इतना खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है, बताया है, जो ऑडियंस को डेफिनेटली पसंद आएगा। एक तरह से बहुत खूबसूरत कहानी बनाई है उन्होंने। अच्छा, इसके अलावा आपके अलावा और भी कलाकार जैसे अनंत महादेवन हैं, कर से बताएंगे उनके बारे में क्या चला है आपने? तो मुझे बहुत अच्छा लगा सारे अपने एक्टर्स के साथ काम करके। इसमें मैंने अनंत महादेवन जी के साथ काम किया है। अनंत महादेवन जी ने राइटर का रोल प्ले किया है इसमें, आफताब हसनैन का रोल उन्होंने प्ले किया है, और वो इतने सीनियर एक्टर हैं, इतने इतना उनको एक्सपीरियंस है कि उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत हम्बल इंसान हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों ने सीन्स दिए साथ में, तो इट वाज वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस। कुछ बताएंगे कोई ऐसी बातें हुई अनंत जी के साथ में, कुछ शॉट के वक्त कोई ऐसी बातें जो याद है आपको? हाँ, अनंत महादेवन जी के साथ, क्योंकि मैं भी थिएटर एक्टर हूँ और वो भी थिएटर एक्टर हैं पहले से ही, तो मैं बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स तैयार कर लेती थी, पूरा सीन एक साथ मैं तैयार कर लेती थी। पर उनका जो तरीका था कि एक सीन, मतलब एक पेज तैयार करना और उसको जितना अच्छे से कर सकें वो करना, तो वो उनसे मुझे सीखने को मिला कि ऐसा नहीं कि पूरा आप पूरा सीन आप रट लो या तैयार कर लो, पर जितना आप कर रहे हो उतना बहुत अच्छा करो, और उतना तैयार करके उन्होंने हम लोगों ने सीन साथ साथ किए। जब फिल्म में गाने भी आपने गाए, सुना हमने, जी गाने के बारे में कैसे गाना है वो? गाना है, गाने का नाम है रहमे खुदा, जिसमें मैंने गाया है। सोलो सॉन्ग है, और क्योंकि मूवी ईद पे रिलीज़ हो रही है तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वो गाना ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, अमेज़ॉन म्यूज़िक पे है, आईट्यून्स पे है, हंगामा पे है, विंक पे है, जियो सावन पे है, तो सब जगह वो गाना आपको मिल सकता है, आप सुन सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा वो गाना। जी, तारा के बाद आफ्टर लॉन्ग चूजी हो क्या, आपसे सोचते कि करूँ ना करूँ अमीना? मैं जो तारा के बाद, मैं एक्चुअली अब मोस्टली मैं यूएस में रहती हूँ, तो वहाँ पे मेरी जो लाइफ है उसमें मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं अभी एक स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ, और जिससे मुझे खुशी मिलती है, पीस मिलता है। तो अभी मैं इंडस्ट्री का हिस्सा एक तरह से नहीं हूँ, तो आई विल कंटिन्यू फॉलोइंग माई स्पिरिचुअल गोल्स, नॉट जैसे दुनिया के जो गोल्स होते हैं वो सारी दुनिया भागती है उसके पीछे, पर मैं अपने स्पिरिचुअल गोल्स के पीछे अभी ज़्यादा फोकस हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिल्म शूटिंग में सारी बाहर ही हुई जी, इस फिल्म की शूटिंग एलए में हुई है, सेनेगल में हुई है, अफ्रीका में, और दुबई में, अबू धाबी में, पेरिस में। बहुत बहुत अच्छा शूट हुआ है, बहुत सारी लोकेशंस लोगों को देखने को मिलेंगी इस मूवी के ज़रिए।
और इसमें एक सीन था मेरा शेरों के साथ चलने का, तो मेरी भी हाइट से बड़े टाइगर्स थे, दो टाइगर जिनके साथ मुझे चलना था और मुझे बहुत डर लग रहा था, पर ठीक है मैंने अच्छे से कर दिया वो सीन। और मुझे याद है वो सीन करते हुए जो हमारा कैमरामैन था वो इतना डर रहा था कि उसने बोला कि नहीं मैं ये सीन नहीं कर सकता। तो फिर कुमार राज जी ने तो कैमरा आगे, मतलब शेरों के सामने वो आगे आगे चल रहे थे कैमरे को हैंडल, फिर उन्होंने किया बिकॉज वो कैमरामैन हमारा नहीं कर सका उस चीज़ को। तो मैंने कोशिश की और हो गया। आप वो सीन देखेंगे मूवी में, आपको पसंद आएगा। डर लगा आपको शेर के सामने? बहुत बहुत डर लगा। और एक्चुअली उस दिन मेरा बर्थडे था 24 अप्रैल, तो मैंने जब शेरों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये आज मेरा लास्ट डे भी हो सकता है। तो मुझे याद है वो फीलिंग क्लियरली। बिल्कुल, हमारी छोटी सी फिल्म है, बिल्कुल मैं नर्वस हूँ क्योंकि हमारी फिल्म में ऐसे स्टार्स नहीं है। तो पर हमारी फिल्म बेशक छोटी है पर बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है और लोगों को ज़रूर ज़रूर पसंद आएगी। बहुत सारा एंटरटेनमेंट है, बहुत अच्छे म्यूज़िक हैं, ऐसा नहीं है कि सैड स्टोरी है या ऐसा है, उस मतलब एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म है जिसे अगर कोई फैमिली देखेगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा देख के। जैसे आपने कहा पहले कि गाना गाया है, आपने वो एक लाइन गाने की? अच्छा, ओके, आई विल ट्राई। सवारी थी मुकद्दर रहमती समंदर, ए रहनुमा सुनो तो मेरी इल्तजा, रोशनी उम्मीद की लाही बख्श जिंदगी, बचा नहीं है मुझ में कोई हौसला, तुझसे हार ही मेरी मेरे मौला जी, तुझसे जीत ही मेरी मेरी मौला जी। तो ये गाना मैंने गाया है इसमें और अभी अवेलेबल है सारे प्लेटफॉर्म में, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और हमारी मूवी जो थिएटर्स में आ रही है 12 अप्रैल को, अमीना, मैं आप सबसे तहे दिल से गुजारिश करूँगी कि आप मेरी फिल्म ज़रूर सिनेमा हॉल में देखने आए और अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, और आपको बहुत बहुत अच्छी लगेगी। हमने बहुत मेहनत करके खूबसूरत सा प्रोडक्ट बनाया है जो अब आपके हाथों में है, ऑडियंस के हाथों में, जनता के हाथों में, और अब जहाँ पे भी आप हमें ले जाना चाहें आपके हाथों में है। थैंक यू, थैंक यू।